इक्वेशन। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन ठीक है, क्या होगा डेफिनेशन बेटा इसकी? ए प्रोसेस इन विच द आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ इनिशियल सब्सटेंस गेट्स चेंज। क्या हो जाएगा बेटा? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी और नेचर किसका, इनिशियल सब्सटेंस का, जो रिएक्शन के दौरान स्टार्टिंग में आप लेके चले थे, वो चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्या है बेटा कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए? प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्या फॉर्म करने के लिए बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। और उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, किससे? रिएक्टेंट से। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ तक का क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन बेटा इसके बाद क्या होगा? फॉलोइंग चेंजेस इंडिकेट दैट ए केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ चेंजेस लिखने जा रहा हूँ जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं, यानी किन चेंजेस को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आता है बेटा चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक, दूसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर। देन नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर, और लास्ट आता है बेटा रिवॉल्यूशन ऑफ एनी गैस। ठीक है, तो ये वो चेंजेस हैं जिनको देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, कौन कौन से बेटा? चेंज इन फिजिकल स्टेट, इनिशियली जो सब्सटेंस हम लेके चलते हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होता है उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए। देन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, रिएक्शन के दौरान क्या हो जाए, टेम्परेचर राइज कर जाए। ठीक है, चेंज इन कलर, इनिशियल सब्सटेंस का कलर कुछ और था, फाइनली सब्सटेंस जो प्रोडक्ट आप जिसे कहते हो उसका कलर कुछ और हो गया, और लास्ट है इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, रिएक्शन मिक्सर से कुछ गैसेज बाहर निकल रही हों। तो इन चेंजेस को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे इसके कुछ। देन नेक्स्ट बेटा इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस O2।
ठीक है, काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, आप सेवन्थ एट्थ नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं सेशन को, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। ठीक है, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देन दूसरी आती है बेटा PbNO3 की होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड की, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाने साथ में पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, जो लेड नाइट्रेट जो लेड आयोडाइड होता है ये कैसा होता है बेटा, इनसोल्यूबल, और KNO3 कैसा होता है, सोल्यूबल। ठीक है, ये जो लेड नाइट्रेट है ये क्या होता है बेटा, येलो कलर की PPT प्रोवाइड करता है आपको रिएक्शन है मिक्सचर के अंदर। ठीक है, देन इसके बाद Zn प्लस H2SO4 गिव्स टू ZnSO4 एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और साथ में रिएक्शन कैसी है बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ से जिस बीकर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं बीकर कैसा हो जाएगा आपका, गर्म हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या होता है एक्सेस अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बेटा केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, अब इसके बाद बात करनी है हमें किसकी, वर्ड इक्वेशन की, किसकी बात करनी है बेटा, वर्ड इक्वेशन की। तो यहाँ लिख रहा हूँ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन की बात करनी है, देखिए the representation of a chemical reaction in the form of a सेंट गैस, या फिर यहाँ आप कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन वगैरह कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा बेटा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशन कहलाता, क्या होता है बेटा, वर्ड इक्वेशन। जैसे अगर हम इस रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को एक सेंटेंस के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये एक बहुत लंबा मेथड हो जाए, जैसे एंड मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट प्रोवाइड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक बहुत लंबा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इसी को क्या कहते हो आप, वर्ड इक्वेशन। मैं यहां लिखता हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है बेटा, एक डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का, किसकी फॉर्म में, आपका सेंटेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहते हो, वर्ड इक्वेशन कहते हो, क्या कहते हो बेटा, इसी को वर्ड इक्वेशन कहते हो। अभी हम यहाँ बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर काम आने वाले टर्म्स की। ठीक है, तो पहली टर्म उसके अंदर काम आती है कौन, रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, ठीक है, तो लिखता हूं डेफिनेशन यहां पे, दोज सब्सटेंस विच अंडरगो चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या है बेटा, दो सब्सटेंसेस विच अंडरगो चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड
रिएक्टेंट्स, वो सब्सटेंस जिनमें रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज आते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, रिएक्टेंट्स कहते हो। दूसरी टर्म मेरे पास काम आई कौन सी, प्रोडक्ट्स। क्या हो जाएगा, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या है बेटा, द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट कहते हो। और इन सब्सटेंसेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अभी हम रासायनिक रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन को लिखने के कुछ यहाँ पे रूल लिखेंगे, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन कुछ रूल्स हमें लिखने हैं बेटा केमिकल रिएक्शन को लिखने के। नंबर वन आता है बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव साइन प्लेस्ड बिटवीन देम। पहला ही रूल क्या है बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को किस तरफ लिखा जाना चाहिए, लेफ्ट साइड लिखाना चाहिए और उनके बीच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। दूसरा है बेटा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स शुड बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड एंड पॉजिटिव साइन प्लेस्ड बिटवीन देम। दूसरा है बेटा कि प्रोडक्ट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको राइट साइड में लिखा जाना चाहिए और उनके बीच में क्या हो, एक पॉजिटिव साइन प्लेस। यानी कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके मोर देन वन है तो आप बीच में क्या कीजिए, पॉजिटिव साइन प्लेस कीजिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके प्रोडक्ट भी जो है मोर देन वन बन रहे हैं तो भी आप क्या कीजिए, उनके बीच में एक पॉजिटिव साइन प्लेस्ड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एन एरो placed between reactant and product। एक एरो जो है वो प्लेस किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, और एरो का जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। एरो हेड represents the direction of chemical reaction। एरो का हेड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिएक्शन की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड हो रही है। तो ये कुछ रूल्स हैं बेटा रिएक्शन को लिखने के, ठीक है। अगर एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं कि ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी, इस रिएक्शन के अंदर ए एंड बी क्या है बेटा, आपके रिएक्टेंट रिएक्टेंट हैं, एंड सी प्लस डी आपके क्या है बेटा,
प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट मोर देन वन है इसलिए मैंने बीच में पॉजिटिव साइन पेश किया, ठीक उसी प्रकार से प्रोडक्ट मोर देन वन है तो बीच में पॉजिटिव साइन पेश किया है। रिएक्टेंट को मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट्स को लिखा है मैंने राइट हैंड साइड में, बीच में दोनों के एक एरो प्लेस कर दिया है जो क्या करता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन इस ओर क्या हो रही बेटा प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो ये हैं रूल केमिकल रिएक्शन को लिखने के, ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीन शॉट एक बार। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमने देखा है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे उनको केमिकल रिएक्शन के अंदर लिखा जाता है वो हमने सब देखा। अब बात करते हैं बेटा किसकी, केमिकल इक्वेशन की। क्या हो जाएगा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, क्या है बेटा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसके आगे का यहां लिखता हूं बेटा, इन विच रिएक्टेंट एंटिटीज गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड and product entities given on right hand side, ठीक है। आगे का रूल वही है बेटा, एक पॉजिटिव साइन उनके बीच क्या कर दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो, अगर ये जो केमिकल इक्वेशन होती है कैसी होती है बेटा, अनबैलेंस्ड होती है, कैसी होती है, अनबैलेंस्ड होती है। इसी को क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो आपके पास लॉ आता है बेटा, कौन सा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बहुत ही अच्छा और सबसे सिंपल लॉ है बेटा, छोटी क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, मास विल बी कंजर्व, जो आपका मास है वो कैसा रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। आगे इसको है अपन दूसरे शब्दों में लिख सकते बेटा, कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला रफ कर दो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा बेटा इसी को अपन दूसरे शब्द लिखेंगे, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल
हैज़ टू बी इक्वल टू हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है बेटा, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। जो प्रोडक्ट में आपके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका टोटल मास जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके बेटा, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि मास जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसको डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते ना ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये थे बेटा आपके लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के मेथड के बारे में। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर जो आता है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके बारे में बात करेंगे। ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट।